हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा पहल क्लासेस के थ्रू जो अपनी क्लासेस चल रही है मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री की, मैं आपको थोड़ा सा, जैसे बच्चों कई बच्चों की क्वेरीज आई थी कि सर आपका उद्देश्य क्या है, तो मैं थोड़ा सा आपको एक बार बता दूं। तो पहल वर्ड से आपको क्लियर है कि हम यहाँ करना क्या चाह रहे हैं। हमारी छोटी सी पहल है कि फ्री एजुकेशन की टूवर्ड्स हमारी पहल है कि दुनिया के जितने भी बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, जो फीस नहीं पे कर पाते हैं, सपोज ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं, जिनकी अच्छी एजुकेशन फीस फैसिलिटीज जिनके पास नहीं है, उनको हम YouTube वीडियोस के थ्रू फ्री में एजुकेशन कंटेंट प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। और धीरे धीरे हम सारी क्लासेस को कवर करेंगे, आप लोगों का सहयोग मिलते रहेगा तो उसको जरूर करेंगे। तो ये हमारी छोटी सी पहल है। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करी थी कि आप लोग थोड़ा सा कमेंट करिए, काफी बच्चों ने कमेंट किया, उसमें मुझे आया है कि बाकी आप लोगों को थोड़े और चैप्टर्स चाहिए मैथ्स के, तो जल्दी मैं थोड़ा और टाइम निकालूंगा। मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, बट मैं ट्राई करूंगा आपके लिए और थोड़ा टाइम निकाल के बाकी चैप्टर्स के जल्दी जल्द आपको सारे वीडियो कंटेंट मिलेगा। बट हाँ, 2021 से पहले जो आपका 12th का बोर्ड एग्जाम होगा उसके पहले मैं आपको अश्योरिटी दे सकता हूँ कि 12th का पूरा वीडियो लेक्चर हम जरूर कवर कर लेंगे, इतना तो मैं आपको अश्योरिटी दे सकता हूँ। बाकी क्लासेस भी हम जल्दी चालू करने वाले हैं, तो ठीक है। एक अगेन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जब वीडियो देख रहे हैं मेरे, तो कमेंट जरूर करिए आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपको और क्या रिक्वायरमेंट है, क्या अच्छा नहीं लगा है, क्या अच्छा लगा है, और अच्छा लगता है तो जरूर फिर आप शेयर भी करेंगे, है ना, हमारी इस पहल में थोड़ा सा आते हैं। तो चलिए, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए, वो है डोमिनो रेंज। तो जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि मैथमेटिक्स जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मेरे पढ़ाए में केवल एक ही डिफरेंस आपको मिलेगा, मैं जो भी टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा उसको अपन डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, ऊपर नहीं पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक के लिए मैं कई सारे वीडियोस के डाल रहा हूं, आप देख लेंगे, एक एक एक्सरसाइज पर तीन तीन चार चार वीडियोस आपको मिल रहे होंगे, है ना। तो मैं हवा में बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, पूरे डेप्थ में अंदर तक जाके पूरे पढ़ेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ रहे हैं। तो डोमिनो रेंज का मैं टॉपिक क्यों लाया हूं, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है, अपने लास्ट क्लास जो फंक्शन अपन पढ़ रहे थे तो उसमें हमको कई जगह रिक्वायरमेंट पड़ी थी, को डोमिनो रेंज कई जगह वर्ड आ रहा था, तो जो रेंज और डोमेन अपने को कई जगह वहां पे रिक्वायरमेंट लग रही है, है ना। तो आप यदि डायरेक्टली आपको रेंज निकालनी आ जाएगी तो अपन फटाक से ऑन टू फंक्शन क्लिक करके निकाल सकते हैं, तो मुझे तो पता है कैसे निकालना है। तो आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, बट हो सकता है बच्चे भूल गए हैं और 11th में टॉपिक काफी अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है, तो 11th क्लास के बच्चे भी इस वीडियो को देख के काफी अच्छे से क्लियर कर पाएंगे और 12th में। तो पहले मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि डोमेन और रेंज होता क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ में उसका क्या सेंस है, फंक्शन के रिस्पेक्ट में उसका क्या सेंस है, फिर अपन देखेंगे कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस देखेंगे और उनकी डोमेन और रेंज निकालना अपन सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं डोमेन और रेंज का मीनिंग। तो आपको एक मशीन कंसिडर कर लीजिए माइंड में, कोई सी भी एक मशीन आप सोच लीजिए। तो सबसे सिंपल मशीन गर्मी का टाइम चल रहा है, फैन अपन कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो यदि अपन फैन की बात करते हैं, आप सबने 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा होगा, तो फैन में आपका जो इनपुट है, मैं इनपुट की बात करूं, है ना पे, तो इनपुट आप क्या प्रोवाइड करते हैं, आप दो चीजें कंसिडर कर सकते हैं, या तो अपन वोल्टेज इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं या करंट इनपुट, है ना, दोनों में से किसी एक को कंसिडर करोगे आपका काम हो जाएगा ना, दोनों से फैन चल सकता है। तो आप ये मान लें अभी, यदि मैं बात करता हूं कि मैं वोल्टेज इनपुट प्रोवाइड कर रहा हूं, राइट। तो यदि मैं वोल्टेज इनपुट प्रोवाइड कर रहा हूं, तो वोल्टेज इनपुट आपको पता है कि घर में जो आपकी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी आती है वो क्या रेंज में आती है ना, उसकी कोई लिमिटिंग होती है ना कि भाई यहाँ से यहाँ तक अपन को देना होता है। तो आपको पता है कि 220 वोल्ट अपने घर में सप्लाई आ रहा है, 220 वोल्ट पे सारे अपने घर के जो डिवाइसेस हैं कॉमन वो चल रही है, तो आप सबको पता है, ठीक है बात। और ऐसे अपन ने करंट रेटिंग भी देखी होगी, तो करंट रेटिंग अपन ने पढ़ाई की अपनी डोमेस्टिक जो अपन अप्लायंसेस यूज करते हैं उसमें 1 to 5 एम्पीयर तक की अपनी रेटिंग होती है, ठीक है बात। तो यहाँ तक तो सबने पढ़ा हुआ है। अब मैं आपके यहाँ मशीन मैंने जो ले ली है वो मैंने ले लिया, अभी एक फैन है, मैं छोटा सा एग्जांपल है आपको जल्दी समझ आएगा। तो मैं बात कर रहा हूं मशीन की इनपुट और मशीन के आउटपुट को लेकर के, ठीक है, फिर जल्द ही हम इसको फंक्शन के रिस्पेक्ट में समझेंगे। तो अभी मेरा जो फंक्शन है वो यहाँ पे फैन है, ठीक है, ऐसा समझिए। तो मेरा जो इनपुट है, यदि मैं करंट लेता हूं, किसको लेता हूं, मैं करंट को इनपुट लेता हूं। थोड़ा 12th क्लास में जब इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी जो बच्चे चैप्टर पढ़ रहे होंगे उनको काफी जल्दी समझ आ जाएगा, बाकी 10th में आप सबने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा ही हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं फैन को करंट इनपुट प्रोवाइड कर रहा हूं, तो करंट इनपुट की रेंज जो मेरे पास अभी जो प्रोवाइड कर रहा हूं उसकी लिमिटिंग वैल्यूज है मेरी 1 to 5 एम्पीयर तक, है ना, 1 एम्पीयर से 5 एम्पीयर तक की मैं उसको प्रोवाइड कर रहा हूं, लेट्स से या 0 to 5 ही ले लेता हूं मैं, ऐसा करता हूं चलिए, क्योंकि 0 to 5 में चलेगा वो। तो 5 से ऊपर अपन जो डोमेस्टिक अप्लायंसेस उनको नहीं प्रोवाइड करते ना, क्योंकि जो उनका कंस्ट्रक्शन होता है जो बनते हैं उनकी कैपेसिटी नहीं होती कि 5 से ज्यादा करंट को वो ले पाए, है ना, अदरवाइज वो वर्किंग स्टॉप हो जाएगी या वो बस्ट हो जाएंगे या बर्न हो जाएंगे, है ना, ठीक है। तो ये जो करंट है ये मैं कह सकता हूं मेरे मशीन को मैं इनपुट दे रहा हूं, यहाँ पे मशीन मेरी फैन है। अच्छा, फैन आपको क्या आउटपुट देता है, फैन देता क्या आपको, फैन तो हमें हवा दे रहा है, हवा कैसे आ रही है, वो घूम रहा है, वो घूमने की उसकी स्पीड होती है, तो जितनी ज्यादा स्पीड से घूमेगा उतनी ज्यादा हवा आएगी।
अच्छा आपको ये भी पता है कि मैं जैसे जैसे करंट की वैल्यूज को बढ़ाने वाला हूँ, मेरे आउटपुट मतलब कि मैं कह सकता हूँ फैन की स्पीड बढ़ने वाली है। तो फैन की स्पीड कैसे डिटरमाइन करते हो, सिंपल सा तरीका आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे स्विचेस होते हैं ना, जो स्विच होता है तो उसमें आपके पास है ना रेगुलेटर होता है, उसमें इनपुट होता है जो आपका होता है 1 2 3 4 5 टाइप का, है ना, आप गोल सर ये होता है ना, इसको घुमाते हो आप अलग अलग तरीके से, तो उसको जब घुमाओगे तो 1 2 3 4 5 0 इस टाइप से जाता है, राइट। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं मान सकता हूं, यदि मैं भी इनकी आरपीएम वैल्यूज नहीं लिखूं तो एक छोटे से एग्जांपल के लिए पर मान सकते हैं कि मेरे पास आउटपुट है वो स्पीड है 1 2 3 4 5, इनकी मैं एग्जैक्ट अभी यूनिट पे ना जाऊं तो मेरे पास जो आउटपुट है 1 2 3 4 5 कह सकता हूं। और आपको पता है जैसे जैसे मैं करंट की वैल्यूज को बढ़ा रहा हूं ये आउटपुट की मेरी जो वैल्यू बढ़ती जाएगी, या ऐसा भी कह सकता हूं मैं यहां से इनके स्विचेस को इनपुट को बढ़ाऊंगा तो करंट मुझको ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं अभी जो इस कंडीशन में सपोज कर रहा हूं, मैं ये सपोज कर रहा हूं कि मैं करंट की वैल्यूज को इनपुट दे रहा हूं, मेरे पास आउटपुट पे फैन की स्पीड आ रही है, ठीक है, रेगुलेटर को हटा दो, आप नॉर्मल यदि कंडीशन में रखेंगे तो करंट की इनपुट बढ़ेगी तो करंट ऑब्वियसली फैन की स्पीड बढ़ जाएगी। तो इस एग्जाम्पल में हम क्या देख रहे हैं, इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि जो हमारी इनपुट वैल्यूज है उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है वो 0 to 5 एम्पीयर है, और ऐसे ही मैं कह सकता हूं कि मेरा जो आउटपुट है उसकी भी स्पेसिफिक वैल्यू होती है, वो यहाँ पे 1 to 5 या 0 to 5 भी मान सकते हो, क्योंकि यदि 0 दे रहा हूं मैं तो घूमेगा नहीं, तो मैं 0 to 5 भी मान सकता हूं। अब मैं आपको ये समझाने वाला हूं कि व्हाट इज डोमेन व्हाट इज रेंज। तो व्हाट इज डोमेन व्हाट इज रेंज, तो जो मेरी इनपुट वैल्यूज होती है सिस्टम में उनको मैं बोलता हूं डोमेन, और मेरी जो आउटपुट वैल्यू होती है सिस्टम की उसको मैं बोलता हूं रेंज। तो यहां पे मैंने मशीन के थ्रू आपको बताया, जो मशीन में मैं इनपुट प्रोवाइड करने वाला हूं उसको मैं बोलूंगा डोमेन, जो मशीन से मुझे आउटपुट मिलने वाला है उसको मैं बोलूंगा रेंज। आप यहां पे आप मशीन इंस्टेड ऑफ फैन आप कोई दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, है ना, घर में बहुत सारी मशीन होती हैं, किसी भी एग्जांपल को लेके माइंड में इसको सेट करके आप सोच सकते हैं। अब बात आती है कि सर क्वेश्चंस में हमको ये कैसे पता चलने वाला है कि सर क्या इनपुट है क्या आउटपुट है क्या डोमेन है क्या रेंज है। तो अभी आपको जो फैन है उसको आपको मानना है फंक्शन आपका, है ना, उसको क्या मानना है आपको फंक्शन सपोज करना है। तो जैसे कि मैंने यहां पे बताया था कि इस फैन में मेरा जो इनपुट है डोमेस्टिक की बात चल रही है वो 0 to 5 एम्पियर है, राइट, 0 to 5 एम्पियर के आगे दे सकता हूं क्या मैं करंट, बताऊ क्या मैं करंट 6 7 8 10 15 एम्पियर दे सकता हूं, दे तो सकता हूं, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये कि मेरा फैन ही खराब हो जाएगा भाई, नया फैन लाके खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ना डोमेस्टिक के लिए मैंने आपको क्या बताया कि जो उसकी कैपेसिटी होती है वो 5 एम्पियर से ज्यादा नहीं लेगा, हर चीज की एक बेरिंग कैपेसिटी है ना, आपको पता है इससे ज्यादा वो काम नहीं करेगा, कोई बोलेगा सर मैं 1000 एम्पियर का देता हूँ उड़ जाएगा वो तो, और ऐसा होता है आपको पता है कई बार जब वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है तो घर में अपने जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है वो खराब हो जाते हैं, इसलिए पर स्टेबलाइजर का भी यूज कर सकते हैं ना, आपको पता है फ्रिज वगैरह के लिए स्टेबलाइजर आता है, वो इसी पर्पज से आता था कि वो वोल्टेज जो फ्लक्चुएशन आता है उसको रोक देता है। तो यहाँ पे मुझे ये समझ आ रहा है कि हर एक जो सिस्टम होता है उस सिस्टम में मेरे पास इनपुट की स्पेसिफिक वैल्यूज होती है उसी के अंदर मुझे काम करना है, तो यहाँ पे मुझे 0 to 5 पे काम करना है। अच्छा सेम टू सेम यदि रेंज की बात करूं तो जो सिस्टम होता है उसके आउटपुट की भी स्पेसिफिक वैल्यू होती है, तो यहाँ पे मेरे पास स्पेसिफिक वैल्यू 0 1 2 3 4 5 है, कोई बोले भाई मुझे 6 की स्पीड पे फैन चलाना है नहीं चल सकता उसकी रेंज में ही नहीं है, कोई बोले मुझे 10 पे चलाना कहां से चलेगा रेंज में है ही नहीं। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि कोई भी सिस्टम की बात करूं तो इनपुट और आउटपुट की स्पेसिफिक वैल्यूज ही होती है जिस पर वो काम करता है। तो यहाँ पे जो इनपुट वैल्यूज होती है सिस्टम की उसको मैं डोमेन कहता हूँ, जो आउटपुट वैल्यूज होती है उसको रेंज कहता हूँ। अब अपन प्रैक्टिकल एग्जांपल को अपन ने देख लिया अच्छे तरीके से, आपको समझ आ गया कि व्हाट इज इनपुट व्हाट इज आउटपुट, जो इनपुट होगा उसको अपन डोमेन बोलेंगे, जो आउटपुट होगा उसको अपन रेंज बोलेंगे। अब इसको मैं रिलेट कर रहा हूं आपके एक क्वेश्चन से जो कि आपको फंक्शन में एक्चुअल में आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दी है व्हाट इज डोमेन व्हाट इज रेंज, एनसीईआरटी से कोई सेंस नहीं इसका, मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको डेफिनेशन लिखी कि डोमेन क्या होता है, इनपुट वैल्यूज गिवन टू द फंक्शन, रेंज किसको बोलते हैं, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जो भी फंक्शन की वैल्यूज आने वाली है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, मैं कोई भी एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं लेता हूं एक्स माइनस टू, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इनपुट वैल्यूज जो फंक्शन को दे रहा हूं मैं, मतलब इसके क्या मतलब है, यहां पे वैल्यूज कौन लेने वाला है, एक्स वैल्यूज लेने वाला है ना, क्योंकि वेरिएबल मेरा एक्स है। तो मैं कह सकता हूं द वैल्यूज ऑफ एक्स, किसकी वैल्यूज, वैल्यूज ऑफ एक्स आर द डोमेन, डोमेन कौन होगा, जो जो वैल्यूज मैं एक्स की इस फंक्शन में पुट करूंगा वो सारा मेरा डोमेन होगा, है ना, जो मैंने आपको यहां डेफिनेशन में लिख दिया, ठीक है। इनपुट वैल्यूज गिवन टू द, इनपुट वैल्यू ऑब्वियस सी बात है, इनपुट मैं एक्स को ही दूंगा ना यहां पे,
दूसरा मैं कह रहा हूं रेंज क्या है, वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन की वैल्यू का मतलब किसकी वैल्यू यहां से है, एफ ऑफ एक्स की बात चल रही है, तो जो एफ ऑफ एक्स का जो भी आंसर आने वाला है वो सारा मेरा रेंज हो जाएगा। तो ये होगा अपना डोमेन और रेंज। तो अगेन मैं बताता हूं, एक्स की जो वैल्यू मैं यहां पे पुट कर सकता हूं वो सारा मेरा डोमेन है। एक्स की जो वैल्यूज मैं पुट कर दूंगा उन सबके बाद जो मेरा आंसर आने वाला है उसको मैं कहूंगा रेंज। तो मतलब एफ ऑफ एक्स को जिसको मैं वाई भी अपन जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसको अपन वाई के इक्वल करके करेंगे तो अपन कह देंगे वाई या एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यूज आने वाली है उसको अपन रेंज कहेंगे। तो ये तो मैंने आपको बता दिया व्हाट इज डोमेन व्हाट इज रेंज। अब इसी पहले तो इसी एग्जांपल को देख लेते हैं कि इसमें अपन डोमेन और रेंज कैसे निकालने वाले हैं। तो निकालने के दो तरीके होते हैं, अभी मैं पहले डोमेन पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं, बाद में नेक्स्ट वीडियो में अपन रेंज पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो पहले तो अपन डोमेन पे बात कर लेते हैं। तो डोमेन निकालने का क्या तरीका होता है, डोमेन निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो आप सोच लो कि इसमें मैं क्या पुट कर सकता हूं, दूसरा तरीका यह है कि मैं इसमें क्या पुट नहीं कर सकता हूं। सीधी सी बात है, कोई बोलेगा कि भाई मेरे पास एक से 100 तक के नंबर है, तो एक स्टूडेंट ने बोला सर मेरे पास तो मेरे को तो केवल इवन नंबर ही लेना है, दूसरे स्टूडेंट ने उसको बोल दिया कि तुझे मैं ऑड नंबर नहीं दूंगा। तो बात समझ गए ना, यदि ऑड नहीं दे रहा है मतलब इवन दे रहा है, और यदि इवन ले रहा है तो इवन तो है ही इवन। तो मैं दो तरीके से डोमेन निकालूंगा, एक तो या तो मैं डायरेक्टली सोच लूंगा कि मैं उसको क्या वैल्यूज दे सकता हूं, दूसरा मैं ये सोचूंगा मैं उसको क्या वैल्यूज नहीं दे सकता हूं। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो मैं टाइप बताता हूं आपको डोमेन निकालने के। तो पहला ये टाइप देख लीजिए आप, ये पॉलीनोमियल टाइप का फंक्शन है। आपको पॉलीनोमियल फंक्शन पता ही होता है जिसमें डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं आने वाला है, केवल न्यूमरेटर में चलेगा और कोई स्पेसिफिक टाइप के फंक्शन इन्वॉल्व नहीं होंगे, केवल एक्स अपना एज अ वेरिएबल इन्वॉल्व होगा और पावर इस टाइप से चल सकती है जैसे कि ये देखिए आप, है ना, ये पॉलीनोमियल फंक्शन आपको सबको पता है, बाइनोमियल थ्योरम आपने पढ़ रखी है, एक्सपेंशन में कोई भी पावर चलने वाली है। तो कोई भी अपना जो पॉलीनोमियल फंक्शन होगा, एक जनरलाइजेशन आपको बताता हूं, तो उसमें डोमेन की बात चलेगी। तो डोमेन का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू अपन उल्टा सोचते हैं, है ना, इसमें मैं क्या पुट नहीं कर सकता हूं। तो यहां से बात आती है मैं क्या पुट नहीं कर सकता हूं, उसके लिए आपको ये सोचना है कि ऐसा कब होगा कि मैं वैल्यू पुट नहीं कर पाऊंगा। तो वो सिचुएशन पहले समझते हैं, तब आपको यहां फटाक से आंसर आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने पास एक फंक्शन लिखा है, ये लिख दिया, या फिर मैंने किसी फंक्शन लिख दिया, है ना, बेसिकली ये क्वेश्चन आते हैं अपने 11th 12th क्लास में जो काम के अपने आने वाले हैं। तो आप जैसे ये फर्स्ट वाला फंक्शन का केस देखिए, फर्स्ट वाले फंक्शन में डिनोमिनेटर में x माइनस 2 आ गया। आपको पता है कि यदि डिनोमिनेटर 0 होता है तो आंसर नॉट डिफाइंड होता है, पता है आपको। तो मैं कह सकता हूं कि इस वाले केस में x की वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए, बात समझ आ रही है, क्योंकि यदि x की वैल्यू 2 हो गई तो मामला बिगड़ जाएगा। क्यों बिगड़ जाएगा, क्योंकि नॉट डिफाइंड आंसर आने वाला है। और मैंने आपको क्या बताया था तरीका, कि डोमेन तो वो होता है ना जो अपन फंक्शन में पुट कर सकते हैं, टू पुट नहीं कर सकते, बाकी सब कर सकते हैं। और बाकी सबको क्या बोलते हैं अपन, आपको पता है बाकी सबको अपन क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। तो हम हमेशा फंक्शन में रियल नंबर की बात करने वाले हैं, जो अपन पुट करेंगे वो तो रियल नंबर ही पुट करेंगे ना, नॉन रियल तो पुट करने नहीं वाले हैं। तो बाय डिफॉल्ट अपन को जो टोटल अपना यूनिवर्सल सेट लेके चलना है दैट इज रियल नंबर लेके चलना है। अब आपको ये डिटरमाइन करना है उन रियल नंबर में से आप फंक्शन में क्या पुट नहीं कर पा रहे हो, तो आप आंसर किस पैटर्न में लिखेंगे, आर दैट डिनोट्स योर रियल नंबर माइनस, यदि इंडिविजुअल वैल्यूज हो तो कर्ली ब्रैकेट में लेना, और कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक हो तो इस टाइप से, बात समझ गए। तो ये अपना पर्टिकुलर पैटर्न रहने वाला है, अपन आर में से उन वैल्यूज को हटाने वाले हैं बेसिकली। तो जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, तो इस क्वेश्चन में आप देखते हैं कि सर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, है ना, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए मतलब x की वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए, बाकी सर कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर नेगेटिव आए पॉजिटिव आए या कुछ और भी आए हमें चलेगा, रूट में आए कैसा भी आए क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका आंसर तो आएगा, f of x की वैल्यू तो आएगी, नॉट डिफाइंड नहीं आएगा। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए फर्स्ट केस की बात करूं तो इसमें मेरा डोमेन क्या आने वाला है, डोमेन का आंसर मैं लिखने वाला हूं r माइनस 2 और ये मेरा मतलब कि r में से केवल 2 हटा दूंगा, r का मतलब रियल नंबर है। तो ये पैटर्न हो गया, पैटर्न क्या मैंने बताया, आपको ये सोचना है कि क्या पुट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए क्या सोचना है कि उससे आंसर नॉट डिफाइंड हो जाए, है ना, किस वैल्यू से आंसर नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो उसके दो ही तरीके हैं, पहला तरीका मैंने आपको बता दिया कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, दूसरा तरीका मैं आपको ये बता रहा हूं यहां पे कि जब फंक्शन में रूट आ जाए, स्क्वायर रूट आ जाए, आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज नॉन रियल आंसर आता है।
तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो x माइनस टू है ये जीरो से इक्वल या बड़ा होना चाहिए, क्योंकि रूट में जीरो तो चल सकता है, स्क्वायर रूट के अंदर जीरो तो चल सकता है, जीरो से छोटा काम नहीं चलेगा, अदरवाइज स्क्वायर रूट नेगेटिव हो जाएगा, वो नॉन रियल नंबर हो जाएगा, है ना। तो x माइनस टू जो है वो जीरो से इक्वल भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, टू या टू से बड़ी होनी चाहिए। तो मैं इस केस में जो डोमेन स्पेसिफाई करने वाला हूं वो क्या करने वाला हूं, टू टू इंफिनिटी, टू इंक्लूड होगा, ये ब्रैकेट आपको पता ही है, स्क्वायर ब्रैकेट इंक्लूड, इंफिनिटी इंक्लूड नहीं हो सकता, ये आपका सिंपल सा सिस्टम बन गया। तो ये दो स्पेसिफिक केस मैंने बता दिए, एक में जिसमें डिनोमिनेटर आ रहा है, दूसरा जिसमें आपको बता दिया जिसमें स्क्वायर रूट आ रहा है ना, अभी इनके कॉम्बिनेशन देखेंगे। अब इससे रिलेटेड क्या फटाक से पॉलिनोमियल फंक्शन पे आ जाओ, तो पॉलिनोमियल फंक्शन की भी मैं बात करूं तो इसमें ऐसा कोई केस है ही नहीं, इसमें आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो क्या दिक्कत है, नॉट डिफाइंड तो कोई केस आएगा नहीं, है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट यहां आ नहीं रहा है और डिनोमिनेटर भी यहां नहीं आ रहा है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन जब भी आपके पास आ जाए और वो डोमेन पूछे तो आप तुरंत आंसर लिख देना, डोमेन विल बी r, दैट इज रियल नंबर, टेंशन की बात नहीं। ठीक है, रेंज नेक्स्ट वीडियो में आएगा, क्योंकि रेंज ऊपर को काफी लंबा डिस्कशन करना पड़ेगा। तो डोमेन आई थिंक आपको पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन निकालना तो समझ आ गया, क्यों, क्योंकि x की तो मैं यहां कुछ भी वैल्यू रख सकता हूं जो कि रियल नंबर टाइप का है, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, टेंशन की बात क्यों नहीं है, क्योंकि यह नॉट डिफाइंड का कोई केस बनना ही नहीं है, नंबर कुछ भी आए, नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए चाहे जीरो आंसर आए, रैशनल इरेशनल कैसा ही आए, नॉन रियल नंबर कभी भी आंसर मेरा नहीं आएगा, जी मैं रियल नंबर इसमें रखता हूं। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का मेरा डोमेन तो आर हो गया। ठीक है, दूसरा स्पेसिफिक फंक्शन में लेता हूं, मॉड्यूलस फंक्शन। तो मॉड्यूलस फंक्शन की बात करते हैं, जैसे मैंने एक फंक्शन ले लिया x माइनस टू का मॉड्यूलस, इसकी भी रेंज भी बताता हूं आपको। तो मॉड्यूलस फंक्शन की अपन बात करें तो इसमें यदि मैं पूछूं कि बताओ x की क्या क्या वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर x की तो कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, आप रियल नंबर टाइप के, आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो, कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं सर, क्योंकि आंसर तो रियल नंबर ही आने वाला है, 1, 2, 0, माइनस 1, 1 बाई 2, कुछ भी रखो, कोई टेंशन ही नहीं ना सर, आंसर तो रियल नंबर ही आएगा। तो जब आपको पता है कि डोमेन के लिए कोई टेंशन नहीं, क्योंकि टेंशन दो जगह आती है, जब डिनोमिनेटर जीरो होता है या रूट में आंसर नेगेटिव आता है, दोनों केस नहीं, तो सर डोमेन तो हो गया रियल नंबर, टेंशन देता हूं। अब मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आपको रेंज का भी आइडिया देता हूं कि रेंज निकालने का तरीका क्या है, पॉलिनोमियल अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसमें थोड़ा लंबा डिस्कशन जाएगा, इसमें रेंज निकालने के लिए आपको थोड़ा बताता हूं आइडिया कैसे लेते हैं। तो रेंज होता क्या है, रेंज जो सिस्टम में अपन x की वैल्यू पुट करने वाले, सिस्टम मतलब मेरा फंक्शन है, फंक्शन में जब मैं x की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरा आंसर क्या क्या आने वाला है। तो आप जरा थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो कि मॉड्यूलस फंक्शन में आंसर क्या आता है हमेशा, तो आप दिमाग लगा के सोचेंगे तो सर मॉड्यूलस फंक्शन में आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है, बट जीरो भी आता है ना, थोड़ा ध्यान से ना, जीरो भी आता है, पॉजिटिव जीरो इज नॉट पॉजिटिव। तो मैं कह सकता हूं कि इसका आंसर जो आने वाला है वो नेगेटिव तो सर नहीं आने वाला है, ये तो बात क्लियर है, आपकी x की कोई भी वैल्यू डाल दो नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि इस वाले फंक्शन का जो मेरा आंसर है वो कहां तक आएगा, जीरो से लेके इंफिनिटी तक आएगा। फिर से बता रहा हूं, रेंज का मतलब आंसर ऑफ द फंक्शन, मतलब वैल्यू किसकी, एफ ऑफ एक्स की, डोमेन मतलब किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू, रेंज मतलब किसकी वैल्यू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, मतलब इस पूरे का जो आंसर आएगा उसको रेंज बोलेंगे। तो इस पूरे का आंसर कहां से कहां तक आ सकता है, जब मैं डोमेन में आर पुट कर दूंगा, मतलब एक्स की जगह सारे रियल नंबर डाल दूंगा, तो क्या क्या आंसर बनेंगे, तो वो सारे आंसर जीरो से इनफिनिटी तक के ही बनेंगे, जीरो तो इंक्लूड होगा क्योंकि यदि मैं एक्स की वैल्यू टू डाल दूंगा तो जीरो आंसर जाएगा, बट जीरो से छोटा आंसर ना, तो नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। तो मेरा आंसर जो रेंज का हो गया वो हो गया जीरो टू इनफिनिटी। ये आसान तरीका था मॉड्यूलस का, तो मैंने आपको तुरंत बता दिया, तो हमेशा याद रख लेंगे आप कि यदि मॉड्यूलस फंक्शन है तो जीरो टू इनफिनिटी उसकी रेंज चाहिए। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा मैं एक वेरिएशन और कर देता हूं। तो ये तो सिंपल सा केस था, तो मॉड्यूलस में आप कुछ भी x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री, ऐसा कोई भी केस आ जाए, टेंशन नहीं लेना है, आप तुरंत उसकी डोमेन रेंज निकाल सकते हैं। अब प्रॉब्लम कहां आती है, प्रॉब्लम आती है यदि मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं, मैंने कर दिया 1 अपॉन, अब प्रॉब्लम खड़ी होगी। कैसे प्रॉब्लम खड़ी होगी, प्रॉब्लम ऐसे खड़ी होगी कि सर अब यहां पे एक मेरे पास, क्योंकि डिनोमिनेटर आ गया, और मैंने बता दिया था कि डिनोमिनेटर जब भी आएगा तो आपको पहले ये सोचना है कि क्या मैं पुट नहीं कर सकता हूं, और आपको मैंने दो खतरे बता दिए, एक स्क्वायर रूट नेगेटिव भी होना चाहिए, दूसरा डिनोमिनेटर जीरो भी होना चाहिए। तो यहां पे आपको दिखता है सर डिनोमिनेटर आ गया है, डिनोमिनेटर आते ही आपको क्या पकड़ना है कि उसको जीरो बना दो, क्यों बना दो, क्योंकि मुझे डोमेन पता करने के लिए ये पता करना है कि क्या मैं नहीं पुट कर पाता हूं, तो मैं यहां पे x माइनस टू यदि जीरो हो जाता है
तो x की वैल्यू 2 आती है और आपको पता है 2 में सर इसमें नहीं पुट कर सकता हूं, यदि मैंने इसमें 2 पुट कर दिया तो मामला बिगड़ जाएगा, पता है ना बात। तो मैं ये कह सकता हूं इस केस में भी कोई डोमेन पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, इस क्वेश्चन का डोमेन क्या हो जाएगा, x की सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट 2, तो डोमेन क्या हो जाएगा r माइनस 2। बात क्लियर, कोई टेंशन नहीं सबको। रेंज के लिए क्या कर सकते हैं, रेंज के लिए आपको पता है इसका आंसर तो पॉजिटिव ही आना है, कोई टेंशन की बात ही नहीं, तो रेंज आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। अच्छा अब रेंज में थोड़ी सी दिक्कत और है, क्या इस फंक्शन का आंसर जीरो आ सकता है, जीरो नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि 1/∞ जो है अपन उसको जीरो सपोज करते हैं और ये अपना इन्फिनिटी टेंस तो नहीं करेगा, इसको अपन इन्फिनिटी सपोज नहीं कर सकते ना, 1/0 और 1/0 अपन डिफाइन में नहीं लेते, तो इस फंक्शन को आंसर जीरो नहीं आएगा बट जीरो से बड़े सारे नंबर आएंगे। तो अब ओपन इंटरवल कर दिया मैंने, क्लोज क्योंकि आपको पता है 1/(x-2) किसी भी कंडीशन में जीरो तो नहीं बनेगा, बाकी सब कुछ बन सकता है, जीरो नहीं बन सकता, तो इसलिए मैंने उसको जीरो को ओपन इंटरवल में कर दिया। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या आ सकता है, तो ये मैंने आपको मॉड्यूलस फंक्शन डिस्कस कर लिया है। अब दो और स्पेसिफिक केसेस हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूं, स्क्वायर रूट वाले केस, तो स्क्वायर रूट वाले केस डिस्कस करने के लिए मैं आपको दो बातें पहले लिखवा देता हूं, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपको लगने वाले हैं, है ना, वो काफी जगह लग जाएंगे, तो आप इनको फॉर्मुलेस को नोट डाउन कर लो, काफी इंपॉर्टेंट केसेस हैं, है ना, तो 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़े नहीं पढ़े आई डोंट नो, बट ये भी नोट डाउन कर लो आप, तो काफी काम आ जाएंगे डायरेक्टली कि x²-a²≥0 है, सो x > a या फिर <> a। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुले अभी जो क्वेश्चन करने वाले हर एक में इन फॉर्मुले को लगाओगे आप डायरेक्ट आंसर आएगा, मजा आएगा आपको। देखो दूसरा केस लिख दे रहा हूं मैं, क्योंकि यदि आपको ये फॉर्मुले आ गए तो आपको दिमाग लगाना नहीं है, हर बार आपको सोचना नहीं पड़ेगा क्या पुट करना है क्या नहीं करना है, इनसे अपने डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे फटाफट, तो इन दोनों फॉर्मुले को नोट डाउन कर लो। थोड़ा सा इनइक्वालिटी के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे अभी। तो पहला केस क्या है कि x²-a²≥0, तो यहाँ यदि इक्वल टू नहीं होगा तो यहाँ भी हटा देना, है ना, फॉर्मुले सेम ही है, इक्वल टू जब यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ लगाओ, यहाँ नहीं आ रहा तो मत लगाओ, लेस में ये वाली कंडीशन है, ग्रेटर में ये कंडीशन है, कैसे आया मैं इस पर भी नहीं जा रहा हूं, है ना, इसका सेपरेट डेरिवेशन है, तो और आगे वीडियोस में फर्दर जब मैं बनाऊंगा तो उनमें मैं फर्दर डिस्कस कर लूंगा डिटेल में कि फॉर्मूला इनके भी डेरिवेशन होते हैं, ऐसा नहीं है ये भी डिराइव करके ही आए, अभी हम इनकी एप्लीकेशन यहां सीख लेंगे डायरेक्टली कि वो कैसे अप्लाई होने वाला है। तो छोटा सा अपन एक फटाक से केस देखते हैं इन्हीं की एप्लीकेशन पे, तो मेरे पास एक कोई फंक्शन है f(x) दे रखा है, लेट्स टेक x²-16 दे रखा है, ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है, 11th क्लास में आता है, 12th में भी अपन को जरूरत पड़ जाएगी कि बताओ इसका डोमेन क्या है, रेंज मैंने बता दिया आपको, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, डोमेन इससे पूछ लिया गया है, तो बताइए डोमेन के लिए आपको क्या सोचना है, डोमेन के लिए हमको केवल ये सोचना है कि स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो मैंने आपको बता रखी कंडीशन, स्क्वायर रूट फंक्शन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, दो बातें मैंने आपको बता रखी, बस इन दो से अपना सारा काम हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट फंक्शन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि सर x²-16 जो है वो 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए, आई थिंक ये बात क्लियर, जीरो आ सकता है, जीरो से बड़ा जरूर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो x²-16 > 0 होना चाहिए। अब बात आती है इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की, है ना, यहां मोस्ट ऑफ द बच्चे गलती क्या कर जाते हैं, वो लिख देते हैं इसको सर ये आ गया और इसका आंसर सर ये आ गया, तो x > +/-1 बच्चे ऐसा कर देते हैं, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है ना, बट ये गलत आंसर है। क्यों गलत आंसर है, गलत आंसर इसलिए क्योंकि देखो बेटा जब x²(4²) से बड़ा है तो x की क्या वैल्यूज होंगी वो हमको सोचना है, तो या तो आप प्रैक्टिकली माइंड में सोचो कि ऐसी क्या वैल्यूज बनने वाली हैं, जो बच्चे सोच सकते हैं बहुत अच्छी बात है, है ना, आप सोच सकते हो, कोई इतना टफ नहीं है, बट मैंने आपको क्या बता दी, डायरेक्ट कंडीशन बता दी, इफ x²-a²> = 0 है तो x a से बड़ा होगा और माइनस a से छोटा होगा, डायरेक्ट लगाओ, है ना, ज्यादा सोचना नहीं है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगा x²-4²> = 0, दैट मींस x विल बी > 4 या फिर -4 से छोटा, ये अपना डायरेक्ट आंसर है, ये हो गया डोमेन खत्म, सीधा, ज्यादा सोचने नहीं है, तो आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट पुट करके चेक नहीं करना है, जनरली ऐसा पढ़ाते हैं कि बेटा पुट करके चेक करते चलो कहां तक आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना, बहुत रात हो जाएगी बेटा, इतना टफ नहीं बनाना है क्वेश्चन को, दो सिंपल से फॉर्मूले आप अप्लाई कर लो,
आपका 2 सेकंड में आंसर आ गया। तो x square minus 4 जीरो से बड़ा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ये फॉर्मूला लगा दिया अपने x greater than equals to l less than equals to minus है, बात करता हूं। इसको आपको इंटरवल फॉर्म में लिखना है, तो आपको पता ही कैसे लिखते हैं, माइनस इंफिनिटी से माइनस 4 यूनियन 4 टू इंफिनिटी, आपको ऐसा लिखना है, तो आप ऐसे लिख लीजिए, बात खत्म। माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल रहेंगे क्योंकि अपने आंसर नहीं आएंगे, बात खत्म, सिंपल, बात क्लियर है। तो ये बहुत छोटा सा तरीका मैंने आपको बता दिया, एक एग्जांपल अपन और देख लेते हैं इसी पे बेस। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, इसको मैं कर देता हूं 9 - x² कर देता हूं, ठीक है, ये दूसरा केस देख लेते हैं। तो 9 - x² बात हुई है, स्क्वायर रूट का फंक्शन, तो मैंने आपको बता दिया स्क्वायर रूट के फंक्शन का आंसर हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो से इक्वल या बड़ा होना चाहिए ना, जीरो छोटा नहीं होना चाहिए, तो डोमेन निकालने की बात चल रही है। तो 9 - x² यही होना चाहिए। अब सिचुएशन सेकंड वाली बनने वाली है, कैसे बनने वाली है, क्योंकि यहां x² - a² लेस देन इक्वल्स टू 0 है, अभी ये फर्स्ट वाला x² करना है, तो मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, या कह सकता हूं कि x² - 9 शुड बी माइनस साइन से डिवाइड टू 2, तो कौन सी सिचुएशन बन गई, सेकंड सिचुएशन बन गई। सेकंड सिचुएशन को बनाने के लिए मैं लिख सकता हूं उसको स्क्वायर फॉर्म, बस फॉर्मूला बन गया, फटाक से आंसर लिख दो, सर ये हो गया आंसर, बात खत्म, दिमाग तो लगाने की, फॉर्मूला लगाओ फटाफट आंसर आएगा। अब यदि आप सोचने बैठ गए कि सर अब इसमें वैल्यू पुट करके मैं सोचता हूं, बट अगर टाइम लग जाएगा, तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूले होना चाहिए, इनको लगाओ वैलिड, कोई टेंशन नहीं है। तो ये बहुत छोटा सा आसान सा तरीका मैंने बता दिया है इन दो फॉर्मूले की एप्लीकेशन से, इस टाइप से रिलेटेड, क्योंकि मोस्ट कॉमन टाइप है, और यहाँ बच्चे फंसते ही फंसते हैं, जिनको इन फॉर्मूले की एप्लीकेशन आ गई वो आराम से कर लेंगे। अब आप चाहो तो मन से 4-5 क्वेश्चन खुद के क्रिएट कर सकते हो, और आप कर सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, दो बेसिक टाइप मैंने आपको बता दिए। अब एक और इसमें पैटर्न है, एक पैटर्न अपन और देख लेते हैं। पैटर्न ही कहता है कि मेरे पास एक कोई फंक्शन है, अब उसने 1/ कर दिया अंडर रूट, लेट्स टेक x² - 3 रेट, ठीक है, 1/ अंडर रूट x² - 3 फंक्शन कर दिया, अब बताओ उसकी डोमेन क्या है। तो अब यहां पे बेटा देखो, दोनों कंबाइंड केस हैं, कंबाइंड केस क्या है, एक तो डिनोमिनेटर आ गया है ना, और स्क्वायर रूट भी आ गया, तो अपन को दोनों चीजों का ध्यान रखना है, एक डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, दूसरा स्क्वायर रूट शुड नॉट बी नेगेटिव एज़ वेल। तो मैं ये कह सकता हूं यहां पे कि जो x² - 3 है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, बस 0 के इक्वल तो नहीं चलेगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है, नेगेटिव भी नहीं चलेगा क्योंकि स्क्वायर रूट में आ गया। तो अब यहां पे कंडीशन क्या बन रही है, x² - 3 शुड बी ओनली ग्रेटर देन 0, ये स्पेसिफिक कंडीशन अभी है, तो ये ध्यान से देखना, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। तो अपन इसको लिख सकते हैं स्क्वायर फॉर्म में, लिख लो, तरीका मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट कंडीशन लग रही है तो x > √3 और x < -√3, बात खत्म, यूनियन फॉर्म में लिखना है तो यूनियन फॉर्म में लिख दो, इस फॉर्म में लिखना है इस फॉर्म में लिख दो, बात खत्म, बहुत ही सिंपल तरीका है। तो ये कुछ स्पेसिफिक केसेस थे जो मैंने आपको बता दिया डोमेन और रेंज निकालने के लिए, कुछ स्पेसिफिक है। तो डोमेन और रेंज आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया है कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है ना, फॉर्मूला रेंज करता हूं मैं। तो पॉलिनोमियल का तो मैंने आपको बताया था डायरेक्ट आप रियल नंबर निकाल सकते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन और होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 12th क्लास में बहुत बार काम आ रहा है ना, अपन को काफी क्वेश्चंस में अपने देख लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी डोमेन और रेंज थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है आपको पता ही है कि इसमें अपन जो x की वैल्यू पुट करते हैं तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइप का आंसर आने वाला होता है ना, ग्राफ वगैरह आपको सबको पता ही है। तो मैं यहां पर कह सकता हूं डोमेन की यदि बात करूं तो डोमेन के लिए मेरे को कोई टेंशन लेने की जरूरत है क्या, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं सारे रियल नंबर से पुट कर सकता हूं, कोई बाउंडेशन नहीं है ना भाई, डिनोमिनेटर में आ नहीं रहा है, स्क्वायर रूट लगा नहीं है, तो सर कोई भी पुट करो 1, 2, 3, -1 कुछ भी रख दो आप, तो सर कोई टेंशन नहीं है, रैशनल नंबर रखो इरेशनल रखो क्या टेंशन, कोई टेंशन नहीं है। तो जो डोमेन आने वाला है वो तो रियल नंबर आने वाला है, ठीक है, तो डोमेन की कोई टेंशन नहीं। अब बात आती है रेंज की, इसकी रेंज में डिस्कस कर लेता हूं। रेंज जब अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करते हैं तो रेंज में बेटा आपको यह ध्यान रखना होता है कि इसका आंसर क्या आने वाला है, और
आप सबको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन का जो आंसर आता है वो इंटीजर टाइप का आता है। किस टाइप का आता है? इंटीजर टाइप का, क्योंकि आपको पता है ना 2.1 में रखूंगा इसमें तो आंसर कितना आएगा 2 आएगा, माइनस 3.2 रखूंगा तो कितना आएगा माइनस 4 आएगा। तो जो आंसर आता है आपको पता है कुछ भी वैल्यू डालो आंसर तो इंटीजर टाइप का ही आएगा, जीरो भी आ सकता है ना, जब जीरो रखूंगा तो, ये तो सबको आपको पता ही। तो मैं कह सकता हूं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, सेट, सेट इज अ इंटीजर। आई थिंक यहां तक वीडियो सबको क्लियर हो गया। अगले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे, एक और मैं वीडियो बना के डालूंगा जिसका, जिसमें अपन इसके कुछ स्पेसिफिक फंक्शन की रेंज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो में कमेंट जरूर करिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए। ओके, गुड नाइट।